4 जुलाई को खाली होने जा रही राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी में दौड़ धूप अब शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि राज्यसभा के लिए स्थानीय चेहरे को ही तरजीह दी जाएगी। अब 4 जुलाई को खाली होने जा रही राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी में जो चेहरे हैं, जो दावेदार बताए जा रहे हैं, वो कौन है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माना जा रहा है कि वो इस रेस में सबसे आगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एक और त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका नाम भी सुर्खियों में है। चर्चाएं इस बात की भी हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट का त्याग देने वाले, बलिदान देने वाले, अपनी सीट छोड़ने वाले, विधानसभा की सीट जिन्होंने छोड़ी है, कैलाश गहतोड़ी, उनका नाम भी दौड़ में बताया जा रहा है। हालांकि राज्य के बाहर से पार्टी के बड़े नेता भी कोशिश में हैं कि उत्तराखंड के कोटे से उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व है, जो मौजूदा संगठन है, वो फिलहाल डिमांड कर रहा है कि लोकल चेहरे को ही यहां से राज्यसभा भेजा जाए। इसके पीछे उनके तर्क भी हैं। अब ऐसे में चर्चाएं एक नाम की और भी हो रही है संगठन के भीतर से ही। फैसला वैसे हाईकमान को लेना है। और एक बात और कि राज्यसभा की 3 सीटों में से इस वक्त बीजेपी के पास 2 सीटें हैं और 1 कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा से प्रदीप टम्टा का कार्यकाल अब 4 जुलाई को खत्म भी हो रहा है। अब विधानसभा में सदस्यता के संख्या बल के आधार पर यह तय है कि बीजेपी के पास मजबूत आधार है, यानी कि बीजेपी का चेहरा राज्यसभा जाएगा, यह लगभग तय है। इसलिए बीजेपी के नेता अपनी दावेदारी को लेकर पूरा जोर लगा रहे हैं। अंदर की खबर यह है कि दिल्ली की दौड़ लगातार इन दावेदारों की तेज हो चुकी है, जिन्हें उम्मीद है कि पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। और पार्टी संकेत दे रही है संगठन के भीतर, खासतौर पर जो मौजूदा संगठन है, स्थानीय संगठन है, यानी उत्तराखंड का संगठन है, कि भाई हम एक चेहरे को, उत्तराखंड के चेहरे को ही आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसे में अनिल गोयल का नाम भी चर्चाओं में है। और जहां तक कांग्रेस का जिक्र किया जाए या फिर बीजेपी का जिक्र किया जाए, तो इस परिपेक्ष में आपको याद होगा कि 2016 में कांग्रेस की बगावत के सूत्रधार रहे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मजबूत तो हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कतार में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल का नाम भी चर्चाओं में है। और एक बाहरी नेताओं का प्रयोग जो रहा उत्तराखंड में, उसका जिक्र मैं आगे करूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आज इस चर्चा में मेरे साथ जो मौजूद हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उत्तराखंड की सियासत के बहुत जाने माने पत्रकार हैं भागीरथ शर्मा जी। वो बताएंगे हमें कि आखिरकार संकेत क्या मिल रहे हैं, किसे मौका मिल सकता है, कौन सा चेहरा होगा जो राज्यसभा जाएगा या फिर बीजेपी सरप्राइज देगी। भागीरथ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद। संशय बहुत है और चर्चाएं दिल्ली के गलियारों में यह है कि उत्तराखंड और दिल्ली की दूरी फिर से सिमट रही है। अब चेहरा कौन होगा इसको लेकर कश्मकश है, और बीजेपी के घर में खास तौर पर क्या कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं, कौन कौन है रेस में? निश्चित रूप से राज्यसभा की राह प्रशस्त है, और तो लंबे समय से या तो राजनीतिक वनवास में हैं या लंबे समय से पार्टी में कार्यरत रहे हैं। जैसे आपने अनिल गोयल जी का नाम लिया, तो जब पराजय सुनिश्चित थी तो अनिल गोयल को नामांकन कराया गया, और वो, और ये पता था राज बब्बर जो है निर्वाचित हो गए थे, और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहते हैं गोयल बंधु, उनका दावा बनता है, मैं भी समझता हूँ। लेकिन जो 2016 का घटनाक्रम था और उसके जो अगुवाई कर रहे थे विजय बहुगुणा, वो भी काफी समय से, वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बात बन नहीं पाई, तो राज्यसभा जरूर जाना चाहेंगे। और जो आपने और जो नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, निश्चित रूप से उन्होंने अभी डोईवाला में चुनाव नहीं लड़ा,
और इनकार कर दिया था, और निश्चित रूप से वो भी चाहेंगे कि उनका कुछ अपग्रेडेशन हो जाए। और तीसरा जो आपने कहा कि कैलाश दहतोड़ी जिन्होंने चंपावत की सीट मुख्यमंत्री के लिए खाली की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाजपा पर भी एक दबाव है निश्चित रूप से। पार्टी ने लगातार दूसरी बार 2017 में और 22 में सरकार बनाई है, और जनता को भी ये उम्मीद है कि चूंकि उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है और हमारे जो काफी कई बड़ा जो क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय जो चेहरों का जिक्र आप कर रहे हैं, एक ऐसी सशक्त आवाज हम तो चाहेंगे बने तो कोई भी, लेकिन राज्य के मुद्दों को उठाया जाए, क्योंकि सीमांत क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है और आपदा की जद में गांव है। भागीरथ सर, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा था, आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि चर्चाएं ये है कि बीजेपी संगठन जो दो स्थानीय संगठन है वो ये मांग कर रहा है कि आप किसी को भी भेजिए लेकिन बाहरी नेता नहीं होना चाहिए। वो प्रयोग असफल रहे हैं उत्तराखंड के लिहाज से, इसके कई उदाहरण हैं जिस प्रयोगों का जिक्र मैं कर रहा हूं। क्या वाकई में ये सही है कि बीजेपी नेता यही चाहते हैं जो वहां के हैं, और क्योंकि कांग्रेस के और बीजेपी के जो ये प्रयोग रहे, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या फिर सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब हो, कैप्टन सतीश शर्मा साहब हो जिन्हें राज्यसभा भेजा, और सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी मौजूदा उदाहरण है वो उदाहरण है राज बब्बर का। उन्होंने कभी उत्तराखंड की आवाज सदन में उठाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही चिंता है लोगों की कि जो भी हो यहाँ स्थानीय हो, राज्य का व्यक्ति हो, ताकि जो राज्य के मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर पर संसद में उठाए जाने योग्य हैं, तो क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है और बड़ा महत्वपूर्ण सदन होता है, और मैं वही बात कह रहा था कि हमारा जो है सीमांत राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है, और जो ऐसे परिवेश में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम हलचलें हो रही हैं और हमारे जो हैं हमारे शत्रु हमारे निकट हैं, तो वो जो है सीमाओं पर तमाम सड़क और बुनियादी सुविधाओं का विकास कर रहे हैं, उसमें चाइना भी है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो प्रतिनिधि हो जो राज्यसभा में जाए वो इन यानी उत्तराखंड की भावनाओं को समझता हो, उसे मौका मिलना चाहिए। आप भी ये बात कह रहे हो और बीजेपी संगठन भी। एक बात भागीरथ जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि ये चेहरों का जिक्र किया जा रहा है, क्या बीजेपी यहां पर भी कोई सरप्राइज दे सकती है, या फिर विजय बोगड़ा कहेंगे भैया 2016 से तो मैं खाली बैठा हूं, आपकी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, भले ही बेटे को आप कैबिनेट मंत्री बना दिया गया हो, लेकिन दूसरी तरफ एक वो इनाम की गुंजाइश जो बचती है उसमें पूरा जोर लगा रहे होंगे, और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने संकेत दिया कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और चर्चाएं ये थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, क्या ये दो चेहरों के बीच ही फाइट मानी जा सकती है, या फिर कोई तीसरा एक सरप्राइज जो बीजेपी देने की आदत है कुछ ऐसा ही होगा? देखिए क्या लगता है, ये जो आपने कहा बीजेपी की आदत है, बीजेपी सरप्राइज देने में बड़ा कौशल संपन्न है जहां तक मैं समझता हूँ, और अगर कोई ऐसा जो अकल्पनीय जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है ऐसा कोई नाम अगर आ जाए तो इसमें आश्चर्य करने जैसी बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसा करती है और बहुत अप्रत्याशित रूप से जो है उम्मीदवार अब अभी देखा ना, क्योंकि पिछली बार पुष्कर धामी, लेकिन एक उदाहरण राज्यसभा का भी एक और भी है, नरेश बंसल साहब का। जी देखिए, नरेश बंसल जी काफी समय से संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पहले भी उन्होंने प्रयास किया कि वो राज्यसभा जाएं, लगे रहे और संगठन में पकड़ अच्छी रही है उनकी और वो कामयाब हो गए, और फिर अनिल बलूनी जी आए, वो भी अपने अच्छे संपर्कों की वजह से हाईकमान में, और अच्छा उनका प्रदर्शन रहा एक मीडिया प्रभारी के नाते, तो काफी कुछ उनका रहा और कई अच्छे क्या वहाँ, क्योंकि दिल्ली के गलियारों में एक चर्चाएं हैं कि दिल्ली का एक बड़ा नेता जो है बीजेपी का वो उत्तराखंड से राज्यसभा जाना चाह रहा है, कुछ इस तरह की अफवाह वहां पर भी। कई नेता हैं, एक नहीं कई हैं, अब इसमें नाम लेना उचित नहीं होगा, आप एक कह रहे हैं, मैं तो मुझे लग रहा है करीब 3 या 4 लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि
राज्यसभा उत्तराखंड वाया उत्तराखंड राज्यसभा जाया जाए, और इसमें बुराई नहीं है, सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि संसद में ऐसा व्यक्ति जाए राज्यसभा में जो उनकी आवाज बने। तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रदेश की जनता कम से कम ये चाहेगी कि प्रदेश का ही कोई कोई अच्छा जो लीडर। आपका पत्रकारिता का अनुभव क्या कहता है कि क्या वाकई बीजेपी उत्तराखंड बीजेपी संगठन की बात पार्टी आलाकमान सुनेगा, या फिर आपको लगता है कि वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह जी चाहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने कहा कि भाजपा पर पार्टी पर दबाव तो है कि राज्य से ही किसी को दिया जाए, लेकिन जैसे आप भी कह रहे हैं कि भाजपा सरप्राइज देने में माहिर है तो सरप्राइज दे सकती है, लेकिन दबाव जरूर है कि प्रदेश के ही किसी नेता को वहां राज्यसभा भेजा जाए। और जीत निश्चित है, मुझे ये भी लग रहा है कि वॉकओवर भी संभवतः मिल जाएगा, केवल नामांकन और चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाएगी निर्वाचित व्यक्ति के। और ऐसे में हम ये चाहते हैं कि राज्य का व्यक्ति आए। देखिए, हम लोग हमारी भी ये भावना है, अगर कोई बाहर से आता भी है कम से कम राज्य की आवाज बने। जो पिछले जो पैराशूट जो आते थे और उनकी शकल 5-6 साल देखने को नहीं मिली, कम से कम ऐसे लोग ना हो, ये सब चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया भागीरथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा, जिन्होंने बताया कि आखिरकार कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन एक दिलचस्प बात उन्होंने ये भी कही कि उदाहरण के तौर पर राजे बब्बर हो या फिर उसके साथ साथ कई ऐसे चेहरे हों जिन्होंने उत्तराखंड से राज्यसभा का रास्ता तो पकड़ा, लेकिन उत्तराखंड की आवाज कभी सदन के भीतर नहीं उठाई। और जहां तक मुझे याद है कि 14 मार्च से जो 2015 से और 25 नवंबर 2020 तक राज बब्बर राज्यसभा में रहे थे, और उसी दौरान आपको याद होगा कि काफी ज्यादा जो आपदा के मसले आए थे और उत्तराखंड के लिए निधि मांगने की जहां तक बात थी आपदा के वक्त, उस वक्त भी उन परिस्थितियों में भी राज बब्बर उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं कर पाए थे, ऐसा चर्चाओं में है। तो इसलिए बीजेपी चाहती है, जो स्थानीय नेता है वो चाहते हैं कि हम में से किसी एक चेहरे को भेजा जाए, लेकिन हो स्थानीय। चलिए अब देखते हैं लॉटरी किसकी खुलती है, कौन जाएगा राज्यसभा, लेकिन इतना जरूर है ये चेहरे इस वक्त कतार में है, रेस में है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।